स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है हमें x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, हमने ये शो करना है, ठीक है। एक हमारा उसमें क्या होता है, कोई टीचर मार्क्स भी काट लेता है, छोटा तरीका भी है फॉर्मूला यूज करके, बेटर है मैं दूसरे तरीके से करवा देता हूँ, उसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज्यादा भी जरूरत नहीं है। देखिए, तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू माइनस जेड। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस जेड के। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो इस पे ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, और इसका माइनस है, माइनस का क्यूब रहेगा, माइनस जेड आ गया। आइडेंटिटी कौन सी यूज की हमने, ए प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। आया समझ में? अब ध्यान से देखें, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई। अब हम इसका यूज करेंगे, ध्यान रखना इसके एक दूसरा और इसको मल्टीप्लाई करके दूसरी आइडेंटिटी और वो होती है, वो यूज नहीं करनी, ये वाली करनी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, माइनस जेड के। इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं हम इसको, इसका यूज करेंगे माइनस जेड, दिस इज माइनस जेड क्यूब। किसका यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको क्या करें, दिस इज माइनस, चलो यहां पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, थ्री एक्स वाई जेड, प्लस माइनस माइनस हो गया, दिस इज माइनस जेड क्यूब। अब माइनस का राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट में नहीं आते, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। यही हमने प्रूव करना था। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारी आइडेंटिटी एक साथ लिखवा दी थी, ये हमारी आइडेंटिटी भी है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर तीन नंबर का सम जीरो है तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होता है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स। मैंने ए बी में करवाई है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड वैल्यू ऑफ माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब देखें, ये नंबर तो हमारे घर स्मॉल नंबर्स हैं, अगर लार्ज नंबर हो, बड़े नंबर हो, बड़ी संख्या हो, तो उनका हमने या आइडेंटिटी यूज करके बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। और इनका आपने एक्चुअल में क्यूब नहीं करना है कि माइनस 12 की क्यूब क्या होगा, 7 की क्यूब क्या होगा, फिर इनको ऐड कर दें, ऐसे नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका यूज करके करना है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है। अभी जो हमने की थी, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीन नंबर का सम जीरो है तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होता है, थ्री एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो माइनस 12 क्यूब है, लेट हम इसको ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं 7, सी मान लेते हैं 5। देखो तीनों नंबर्स का सम क्या है, जीरो है ना, जहां पे भी आपको दिखाई दे बेस देख लो, देखो बेस क्या है, माइनस 12, इसका बेस क्या है 7, इसका बेस क्या है 5। जहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाए ना, क्यूब वाली, तीन नंबर हो उनका क्यूब हो, तो उनके बेस को देखो आप, और बेस का सम देखो क्या जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो यही आइडेंटिटी यूज होगी। अब तीनों नंबर्स को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया, जीरो आ गया ना। अगर तीनों नंबर्स का सम जीरो है तो आइडेंटिटी लगाएंगे हम, आइडेंटिटी हमारी ध्यान दें, वो अभी हमने जो प्रूव की वो एक्स वाई जेड में थी, मैंने एक साथ सारी आइडेंटिटी लिखवा दी थी, वो आइडेंटिटी एबीसी में इफ
a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ध्यान दें, आप इसको x y z में भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं x y z में. अगर तीन नंबर का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम 3 मल्टीप्लाई a इंटू बी इंटू सी. अब दिस इंप्लाइज इनका क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा ना. और a हमने कितना माना था 12, और b हमने कितना माना था 7, c कितना माना था 5. आगे ना तीनों क्यूब का सम कितना होगा 3, a कितना माइनस 12, b कितना है 7, और ये कितना 5. कर लोगे मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 36, 105 को 12 से 1260 माइनस 12, ये आ गया हमारा आंसर. यानी कि अगर आप इनके क्यूब्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1260. हमने आइडेंटिटी का यूज किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन.